तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग में मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले तो ये देखो, कुछ नई सी अपनी स्विफ्ट की सी याद नहीं आ रही होगी इससे, नई गाड़ी। मैं बताता हूँ तुम्हें इसका क्या सीन है। नई गाड़ी में बैठा हूँ इस टाइम पे, वो भी ली है अपने भाई ने। बट उस दिन जिस दिन इसकी डिलीवरी वाला दिन था, उस दिन मैं पहुंच नहीं पाया क्योंकि यार पेपर से चल रहे थे थोड़े से, तो पेपर से चल रहे थे जैसा भी जो भी सीन था। बट आज जा रही है ये पूजने के लिए, तो आज लेकर जा रहे हैं इसे भिवाड़ी मोहन बाबा के दर्शन करने के लिए। तो मैं कहा व्हाई नॉट, अपना एक व्लॉग भी बनेगा प्लस साथ में दर्शन भी हो जाएंगे भगवान के। तो जल्दी से चलते हैं, अभी बताता हूँ इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस, गाड़ी कौन सी है, सारी चीजें। वैसे तो तुम्हें थंबनेल टाइटल से पता लग गया होगा, बट फिर भी चलो अभी एक बार प्लॉट से निकाल के और फिर चलते हैं यहाँ से। सो भाई, सबसे पहले तो गाड़ी है अपनी होंडा की, होंडा अमेज। बाकी इसको लेकर अभी निकलते हैं और आगे करते हैं सारी बातचीत। सबसे पहला रिचुअल तो यही है, अपना गाड़ी फुल करवाओ, टंकी फुल करवाओ और उसके बाद आगे निकलो। देखते कितने का आता है। अभी इसमें 1-2 डंडे थे, तो मतलब तुम मोटा मोटा मान के चलो इसमें 20-25 लीटर के अराउंड होगा। तो अब देखते हैं अब कितना बढ़ता है। अभी आया भाई इसमें रफली 2860 रुपये का पेट्रोल, और बाकी इसमें पहले से था ही, तो टोटल ये मान के चलो 3600-3700 रुपये के अराउंड में फुल हो जाती है टंकी। लो जी भाई, पहुंच रहे बाबा मोहन राम के दर्शन करने। इधर अपने जूते वूते उतार के अंदर ही रख के चलते हैं और आगे जाके फिर दर्शन करते हैं। 50-55 किलोमीटर के अराउंड था ये अपना यहाँ तक। हाँ तो भाई, पलवल से भिवाड़ी तक का बाबा मोहन राम का रास्ता 60 किलोमीटर था। 60 किलोमीटर अब मैंने तो पहली बार ही चलाई है होंडा में। एक्सपीरियंस बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आई कहीं पे भी। हल्की सी ऐसे जैसे होता है ना दब के चलना होता है जो रोड पे, मतलब कितनी तुम भगा लो, 100, 120, 130, 140 तक भगाई थी मैंने। ऐसा नहीं लगा, मतलब स्विफ्ट चलाएंगे या कोई ऐसी मारुति की गाड़ी चलाते हैं ना, उसमें तो ऐसा लगता है कि खाली साहब ऐसे हवा में चल रही है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं लगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया। अब इधर आके पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं भगवान के, और उसके बाद दोबारा वापस चलेंगे 100 किलोमीटर और फिर देखते तुम्हें बता दें। बाकी यहाँ देखो इतनी भीड़ लगी रहती है, आज तो फिर भी थोड़ी सी कम सी है। मतलब ये रहता है पार्किंग की जगह ही नहीं मिलती, अब तो हमें पीछे गाड़ी खड़ी करनी थी, पीछे जैसे तैसे थोड़ी सी जगह मिली तो वहीं अपनी लगा के आ गए। अब जाते हैं और दर्शन करते हैं। बाबा महान राम काली खोले चौर लेने में आए आज सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक से निवेदन है की भाई जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए देखो ये रहा मंदिर, और इधर बाहर निकलते ही सारी दुकानें बिल्कुल जैसे कि रहता ना बाजार सा, मेला वेला सा लगा रहता है, उस टाइप का माहौल रहता है। और ये हर टाइम रहता है, साल में तुम कभी आ जाओ हर टाइम ऐसे ही ऐसी इतनी भीड़ मिलेगी, इतना ही ऐसे मेला सा लगा रहेगा, तो इसलिए मजा आता। अभी तो आज संडे है और हम थोड़ी सी लेट हो गए, वरना सुबह सुबह आते हैं ना जब होते हैं खाली, मतलब ये मान लो तुम 5-6 बजे अगर आ जाते तो खाली रहते और ज्यादा भीड़ भी नहीं रहती, बट अभी थोड़ी सी भीड़ है, बट इट्स ओके, बढ़िया एक नंबर दर्शन हो गए। अब यहाँ से निकल रहे हैं। भाई बिल्कुल बढ़िया एक नंबर दर्शन करके अब बाहर आए, और बाहर आके तुम भीड़ तो तुम्हें पहले से ही पता कितनी ज्यादा हो रखी है। अब इधर से देखेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और उसके बाद अपना घर जाएंगे डायरेक्ट। भाई देखो इतनी जल्दी इतना ड्रास्टिक चेंज, जब ही बाहर से घूम फिर के डायरेक्ट अपना बेड पे, तो अभी करते इस व्लॉग को यहीं पे एंड, क्योंकि अभी कल है मेरा सुबह सुबह पेपर, तो उसके लिए अभी रात को वैसे ही रात होगी आते आते घर पे, तो अब सोना है। तो उसके बाद करते इस व्लॉग को यहीं पे एंड और मिलते अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा बाय बाय, राम राम जी।